स्वागत है आपका रूबरू में। मैं हूँ मानसी सिंह। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दिवाली के टाइम पे कैसा माहौल है। आप देख सकते हो कि हम जैन मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और मार्केट का क्या माहौल है। आइए दिखाते हैं हम आपको कि दिवालियों की शॉपिंग कैसी चल रही है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हर साल दिवाली आती थी तो जब आप यहाँ का मतलब माहौल कैसा था और दिवाली के टाइम पे आपका धंधा कैसा था? हर साल जोरों पे था, इस साल डाउन है। आपका नाम? यामिनी। ओके, अच्छा आप हमें बताइए कि दिवाली के टाइम पे कैसा धंधा चल रहा है और इतना भी नहीं है? ठीक है। अच्छा, नहीं चल रहा है दिवाली जैसा, इतना मतलब नहीं रहा है, कैसे है कस्टमर वैसे करके। सुरेश जी, इस बार मतलब हर बार जो दिवाली को देखते हुए और आज दिवाली है तो इस बार कैसा धंधा है? ये बार कुछ भी नहीं है, पहले के जैसे अभी बहुत कम है, पहले अच्छे था। तो जैसे मार्केट में तो मुझे आज भीड़ बहुत दिख रही है, तो क्या उस तरीके से धंधा नहीं है क्या? खाली पब्लिक निकलती है, जो किसका सैलरिंग ज़्यादा रहेगा, पगार वगैरह आएगा, इसलिए बाहर निकला कुछ खरीदी करने के लिए। क्या फ़र्क है पहले और अभी में? बहुत फर्क है। काय का पैसे का और हर चीज़ का, मतलब किस तरीके से परेशानी किस तरह आ रही है आपको माल लाने में? इस तरह ट्रेन से आ रही है। क्या नाम है आपका? करिश्मा। ये आपकी ही शॉप है? नहीं, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। अच्छा, क्या करिश्मा बताइए ना, ये मतलब हर बार जो दिवाली में रहता है और इस बार आज जैसे दिवाली है तो किस तरीके से ये पूरा वीक रहा और किस तरह से धंधा हो रहा है? इस बार ना कुछ खास नहीं है, ये कोरोना की वजह से कुछ भी अच्छा हो रहा नहीं। लास्ट टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था, इस बार तो पूरा फ्लॉप ही गया ये दिवाली। मतलब पब्लिक आ रही है या मतलब पैसे नहीं है या डर भी है, किस तरह से मतलब? काफ़ी लोगों को डर है और काफ़ी लोग आ रहे भी है तो फिर वो ले नहीं पा रहे, मतलब शॉपिंग उस तरह से नहीं हो। हाँ, जैसे दो चार लेने वाले लोग एक ही लेके जा रहे टॉप्स में वैरायटी, बट जो है काफ़ी लोग आ रहे, मतलब बोलते हैं ना एकदम कम लेके जा रहे, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा आपने लोगों को कि कितने परेशान हैं और हम भी यही चाह रहे हैं कि जितनी भी जल्दी हो बाज़ार जल्दी से खुल जाए और पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं ऐसे ही रूबरू में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।